हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दादीज, टीम केमिस्ट्री सीएलसी। प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक रहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम और सॉलिड स्टेट। इनमें हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सीसीपी के लिए कुछ हमें स्टेटमेंट गिवन है, उन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द 12। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सीसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, मींस द नियरेस्ट जो नेबर होते हैं वो 12 होते हैं। थ्री डी स्ट्रक्चर में टॉप मोस्ट लेयर में जो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, ये अपने पास सीसीपी स्ट्रक्चर बनेगी। सीसीपी स्ट्रक्चर में जो टॉप मोस्ट लेयर में जो नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे, टॉप मोस्ट लेयर में जो नियरेस्ट एटम बनेंगे वो कितने बन पाएंगे। यहां अगर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, तो टॉप मोस्ट लेयर में नियरेस्ट नेबर जो बनेंगे वो 9 बन पाएंगे, 12 नहीं बन पाएंगे। बाकी जो लेयर होगी उसमें नियरेस्ट एटम कितने होंगे, 12 होंगे, टॉप मोस्ट लेयर में 12 नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सीसीपी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट है, सीसीपी में 74%। हम कैलकुलेट करते हैं सीसीपी में 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है अपने पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहां नंबर ऑफ एटम्स सीसीपी में 4 होते हैं, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अपॉन ए क्यूब में जो अपने पास सीसीपी में अपने पास ए और आर में जो रिलेशन आता है वो हम कहते हैं फेस सेंटर्ड वाले एटम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो 4R = √2A होता है। यहां से हम ए की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 4R by √2। इसका हम क्यूब करके इसे सोल्व करते हैं तो यहां से पैकिंग एफिशिएंसी 74% आती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम आर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही है, सीसीपी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो अपने पास होगी वो 8 होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगी। तो पर यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम के लिए 1 होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगी, 2 होगी। ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ एटम। हमने क्या कहा कि 4R = √2A एटम और एज लेंथ में अपने पास रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं A upon R = 4/√2A, तो A = √2 ऑफ द आर। तो जो रेडियस होती है, रेडियस और एज लेंथ में जो रिलेशन होता है उसमें एज लेंथ 2√2 टाइम होती है, किससे, एटम की रेडियस से। तो ये स्टेटमेंट भी अपने पास क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। तो इस स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और डी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ये तीनों स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, अपने पास यहां पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है और पैराग्राफ ये है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द गैस अक्स टू है, उसका अक्स में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है 298 केल्विन पर। फॉलोइंग इक्वेशन, द
स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज पॉजिटिव, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शंस देयर वन मोल ऑफ द एक्स टू, स्टार्टिंग में एक्स टू का कितना मोल प्रेजेंट है, वन मोल प्रेजेंट है। द रिएक्शन प्रोसीड द मोल ऑफ एक्स फॉर्म्ड बाय द बीटा, जैसे जैसे रिएक्शंस प्रोसीड होगी एक्स के मोल बीटा प्रोसीड होते रहते हैं। एट इक्विलिब्रियम दिस बीटा इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्स आर फॉर्म्ड, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो एक्स के जो मोल हो जाते हैं वो बीटा इक्विलिब्रियम हो जाते हैं। अब द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर इज 2 bar, रिएक्शन कॉन्स्टेंट प्रेशर 2 bar पे हो रही है। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चंस में, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन इन टर्म ऑफ द बीटा इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शंस है इस रिएक्शंस के लिए हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शंस अपने पास है, केपी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। अपने पास लिखा है, अपने पास इक्वेशन ये थी, एक्स टू गैस किसमें डिकम्पोज हो रही है, 2x गैस में डिकम्पोज हो रही है। इनिशियल अपने पास, इनिशियल अपने पास 1 mole ये है और ये कितना मोल है, 0 mole, पैराग्राफ में गिवन था कि स्टार्टिंग इससे होती है। इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम पे अपने पास 1 minus बीटा इक्विलिब्रियम और ये हो जाएगा 2 beta इक्विलिब्रियम, ये अगले का गिवन है कि 2 beta इक्विलिब्रियम एक्स पे बनता है। ठीक है, अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल मोल कितने हो गए, 1 minus बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई 1 plus बीटा इक्विलिब्रियम, और बोल सकते हैं 2 beta इक्विलिब्रियम अपॉन 1 plus बीटा इक्विलिब्रियम, ये इनके मोल फ्रैक्शन आ गए। अगर इसे 2 atm bar से मल्टीप्लाई कर दें, 2 atm से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ किसकी वैल्यू कैलकुलेट, इसका पार्शियल प्रेशर आ गया, इसका पार्शियल प्रेशर आ गया, किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, केपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। केपी इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स का पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन पी ऑफ एक्स टू, यहां से केपी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने पास आ गया, यहां से इनकी वैल्यू रिक्के से सोल्व करते हैं तो अपने पास 2 beta इक्विलिब्रियम इंटू 2 divided by 1 plus बीटा इक्विलिब्रियम इसका स्क्वायर अपॉन 1 minus बीटा इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाई 2 upon 1 plus बीटा इक्विलिब्रियम, 1 plus बीटा इक्विलिब्रियम, इसे सोल्व करते हैं तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 beta इक्विलिब्रियम का स्क्वायर माइनस 4 minus बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर हो जाएगा, 4 minus बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट ऑप्शन चेक करें तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें है, ऐसा ऑप्शन 8 beta इक्विलिब्रियम स्क्वायर माइनस 4 by beta इक्विलिब्रियम स्क्वायर कौन से में हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड अगला पूछ रहा है, स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शंस इज, स्टेटमेंट कुछ गिवन है उन स्टेटमेंट को अपने इस पैराग्राफ के रिकॉर्डिंग सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिक्रीजेज इन द टोटल प्रेशर विल बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल ऑफ द एक्स टू, अगला कह रहा है
टोटल प्रेशर अगर डिक्रीज करें तो अक्स टू के जो मोल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, अक्स के मोल अधिक बनेंगे, अक्स टू के मोल डिक्रीज हो जाएंगे। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर डिक्रीज करते हैं, इसके इफेक्ट को ली चेटेरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन में प्रेशर को क्या किया है, डिक्रीज किया है, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वो किस साइड में शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होता है, मोर नंबर ऑफ मोल की साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और एक्स के क्या मिलेंगे, ज्यादा मोल बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। एट द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ एक्स टू टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अगला जानना चाहता है जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्शन साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, स्पॉन्टेनियस। स्टार्टिंग में हम रिएक्शंस के लिए कह सकते हैं अपने पास क्या रहा होगा, क्यू इज ग्रेटर देन केपी रहा होगा, और क्यू इज ग्रेटर देन केपी रहा होगा तो स्टार्टिंग में रिएक्शंस क्या रही होगी, स्पॉन्टेनियस रही होगी। बीटा इक्विलिब्रियम इज 0.7, इस ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, बीटा इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 0.7। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कैलकुलेट किया था तो केपी की वैल्यू जो अपने पास आई थी, केपी इज इक्वल टू 8 बीटा इक्विलिब्रियम स्क्वायर माइन अपॉन 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर आया था। अगर रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम में 0.7 मोल होगा कि नहीं होगा, इस पे डिस्कस करना है। हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आरटी एलएन के होता है, एलएन केपी होता है। अगर अपने पास रिएक्शन कैसी है, पैराग्राफ में अगले ने साफ साफ लिखा था कि रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मींस डेल्टा जी नॉट कैसा हो गया, पॉजिटिव वैल्यू रखता है। डेल्टा जी पॉजिटिव रहने के लिए केपी क्या होना चाहिए, केपी होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए। यहां अगर बीटा इक्विलिब्रियम 0.7 पुट अप करें तो केपी इज इक्वल टू 8 इंटू 0.7 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर। अगर ये पुट अप करते हैं तो यहां से केपी इज इक्वल टू 1.1 आता है, जो केपी इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, और डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, केपी क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी का चेक करते हैं, देखना डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है केसी इज लेस देन 1, ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गया, सही हो गया। ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर सभी को एक साथ चेक कर लेंगे, देखना नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने को चेक करवाना चाहता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, देखना केसेस, इस रिएक्शंस के लिए अपने पास केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, और यहां पे केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम ये सोल्व कर रहे हैं केसी इज इक्वल टू केपी अपॉन आरटी, आरटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, केपी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, लेस देन 1 होगी, केपी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होनी चाहिए। रिएक्शंस आरटी से डिवाइड होगा तो केसी भी क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सारे स्टेटमेंट को एक साथ चेक कर लेते हैं, सारे स्टेटमेंट को एक साथ चेक कर लेते हैं, देखना
डिक्रीजिंग टोटल प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है? सही स्टेटमेंट है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपने को, तो ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताया था आपने नहीं, सी स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, और डी स्टेटमेंट सही हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द कंडक्टिविटी ऑफ द 0.0015 mm एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, कोई एसिड है उसकी कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर रहे हैं, किससे? कंडक्टिविटी सेल से, जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 cm² है। द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन फाउंड बी 5 × 10⁻⁶ द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज 4, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक मोनो एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, इसकी क्या कैलकुलेट करनी इज Z × 10⁻² मोल इनवर्स द वैल्यू ऑफ द जेड, तो हमें जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें नियर अबाउट हम कह सकते हैं यहां से जो अपने पास अगर हमें मोलर कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करनी है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट द जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अपने पास यहां पे मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सी कंसंट्रेशन पे, मतलब गिवन कंसंट्रेशन पे। मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हैं? के डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं, और के इज इक्वल टू होता है सी इंटू एल बाई ए। सी क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस ऑफ द सी, कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, एंड L अपॉन A लेंथ हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू C हो गया अपने पास 5 × 10⁻⁷ इंटू L हो गया 120 और ये हो गया 1 cm², तो अपने पास ये आ गई साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे पास स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस अगर सी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टेंस एट द सी कंसंट्रेशन, तो ये हो जाती है के इंटू 1000 upon m, के इंटू 1000 upon m। अब अपने पास के पता है, के कितना हो गया 5 × 10⁻⁷, ये हो गया अपने पास के 5 × 10⁻⁷ इंटू 120 इंटू 1000 और कंसेंट्रेशन एम, मोलरिटी कितनी हो गई 15 × 10⁻⁴। इसे सोल्व कर लेंगे तो यहां से अपने पास ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया अपने पास 5, 3 ये 4, 3 और ये 40। तो अपने पास सी कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस आ गई वो 40 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो गई? मोल इनवर्स हो गई। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमें वीक एसिड की क्या दी है? पीएच। एच से अपने पास कोई एसिड है और इसकी पीएच हो गई H++ A-, और जो H प्लस होता है वो H प्लस किसके इक्वल होता है? C अल्फा के इक्वल होता है। तो H प्लस pH इज इक्वल टू 4 है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁴, और C कितना हो गया? 15 × 10⁻⁴ कंसंट्रेशन। अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/15। यहां से मैं अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं 1/15,
इज इक्वल टू सी कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस कितनी आ गई 40, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन, ये हो जाएगी 6 × 10^2 मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, ये हो गई 6 × 10^2। तो ये अपने पास जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, जेड की वैल्यू अपने पास 6 आ जाएगी और करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस हैज फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर रखता है विथ एज लेंथ 400 picometer, इफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 8 g/cm², द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द 256 g ऑफ द क्रिस्टल इज n × 10^24, द वैल्यू ऑफ द n, हमें इस n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें 256 g में नंबर ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, तो उस सब्सटेंस का हमें क्या पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। तो डेंसिटी अगर किसी सॉलिड की होती है तो D इज इक्वल टू अपने पास होता है Z × mW सॉलिड के डेंसिटी सॉलिड के केस में अपॉन Na × अपने पास A³ हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। अगर अपने पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो वॉल्यूम कितना हो जाता है A³ हो जाता है। डेंसिटी अपने पास कितनी गिवन है 8 g/cm गिवन है। FCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल 4 होते हैं, ये पर यूनिट सेल 4 एटम आ गए। MW मोलर मास हमें कैलकुलेट कर लेना है। Na अपॉन ये कितनी हो जाएगी डेंसिटी 800 picometer दे रखी है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 4 × 10^-8 cm इसका स्क्वायर। यहां से हम MW डिटरमाइन करते हैं तो ये हो गया अपने पास 2, ठीक है। तो MW डिटरमाइन करते हैं तो MW अपने पास हो गया 2 × 2 Na × 64 × 10^-24, ये अपने पास MW आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने, नंबर ऑफ एटम्स तो नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स अपने पास हो जाएंगे, ये कितना हो गया कितने ग्राम में 256 अपॉन मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं 2 Na × 64 × 10^-24, और कितने से मल्टीप्लाई कर दें Na से मल्टीप्लाई कर दें, Na से Na क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 64 इससे ये क्या कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2 × 10^24। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां 2 n कितना आ गया 2, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फॉर ए रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ए कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, जो सराउंडिंग के साथ क्या है इक्विलिब्रियम, द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इन टर्म ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय द के लिए के को एंट्रोपी के टर्म्स में डिस्क्राइब करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पहले चारों स्टेटमेंट को देखते हैं फिर ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या कह रहा है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शंस इंक्रीजेज बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव।
Next, with increase in the temperature, the value of K for the exothermic reactions decreases because the favorable change in entropy of the surrounding decreases. With increase the temperature of the K for the endothermic reactions increases because unfavorable change in entropy of the surrounding decreases. Option और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पता लगा कि एंट्रोपी के टर्म्स में इसको डिस्क्राइब करना है. एंट्रोपी के टर्म्स में अगर डिस्क्राइब करना है तो हम लोग स्टेटमेंट हमने चेक किए, अब एंट्रोपी के टर्म्स में हम इसे डिस्क्राइब करते हैं. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोपी के टर्म्स में डिस्क्राइब करना है. एंट्रोपी डेल्टा एस जो टोटल होता है यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है. डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है. डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो ऐसा प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. ऐसा प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बोल सकते हैं. अब यहां हमें पता है लीचेटेरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. अब अगर इसकी एंट्रोपी को सराउंडिंग के साथ बताएं फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज के अकॉर्डिंग तो डेल्टा एस सराउंडिंग होता है. डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम प्लस अपॉन टी. यहां पे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब सिस्टम के लिए डेल्टा एच कैसी है? नेगेटिव है, तो सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. और ऑल ओवर ये वैल्यू कैसी रह जाएगी? सिस्टम के लिए नेगेटिव रह जाएगी. अब ये अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो टी इंक्रीज करेंगे तो अनफेवरेबल चेंज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि फेवरेबल चेंज होने के लिए डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. तो अनफेवरेबल चेंज कम हो गया तो रिएक्शंस क्या रहेगी? स्पॉन्टेनियस की ओर जाएगी. बिल्कुल सही बात है. अगर यही रिएक्शंस अपने पास एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में लीचेटेरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टी अगर इंक्रीज करेंगे तो के क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. देखिएगा, प्लस इसे एंट्रोपी से कोरिलेट करते हैं तो वही डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी हो जाएगा. डेल्टा एस सिस्टम कैसा हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू क्या रह जाएगी? पॉजिटिव. टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी. तो कैसा हो रहा है अनफेवरेबल चेंज को? फेवरेबल चेंज. अगर हम इससे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो देखना डियर स्टूडेंट्स कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर द एक्जोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेज. बिल्कुल सही है, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज. बिल्कुल, फेवरेबल चेंज सराउंडिंग का डिक्रीज हो जाता है. और विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज द अनफेवरेबल चेंज ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेज. दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे. एंट्रोपी के साथ इसे हम क्या कर सकते हैं? कोरिलेट कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेवन,
कंसीडर द आयोनिक सॉलिड एमएक्स विथ एनएसीएल स्ट्रक्चर, कोई एमएक्स है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एनएसीएल स्ट्रक्चर के जैसे है। कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्ट्रक्चर जेड हुज यूनिट सेल इज द कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द यूनिट सेल ऑफ एमएक्स फॉलोइंग सीक्वेंस सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, द चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस को नेगलेक्ट करना है। फर्स्ट चेंज हो जाएगा, रिमूव ऑल द एनाइन अक्ष एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। अगला बोल रहा है एनाइन अक्ष कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तो एनाइन अक्ष है वो एनाइन अक्ष के अकॉर्डिंग एनाइन अपने पास कहाँ प्रेजेंट है, ये बोल रहा है रिमूव ऑल द एनाइन एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, सेंट्रल वन को छोड़कर सारे बता हटा दिए गए। तो एनाइन जो अक्ष प्रेजेंट है वो मान लेते हैं अपने पास एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। और अपने पास जो एम प्लस आइन है वो कहां हो जाएगा, वो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो जाएगा, फेस सेंटर पे प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसने कहा कि अपने पास रिमूव ऑल द एनाइन एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, सेंट्रल वन को हटा के एज सेंटर वाले जो थ्री एटम थे और ये वन एटम था, ये एटम क्या कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, तो वन रहा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये एम प्लस कहां होता है, कॉर्नर पे टोटल वन हो जाएगा और फेस सेंटर पे कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। ये बोल रहा है रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर केटाइन एम बाय एनाइन अक्ष, तो जो फेस सेंटर वाले हैं वो तो रिमूव कर दिए गए और किस में ऐड कर दिए जाएंगे, इसमें थ्री एटम क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये वाला हो गया। थर्ड चेंज, रिमूव द ऑल द कॉर्नर केटाइन अक्ष, सारे के सारे केटाइन कॉर्नर वाले हैं वो भी रिमूव कर दिए, तो ये वाले रिमूव कर दिए तो इसमें नहीं रहा। नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल द सेंट्रल एनाइन विथ द केटाइन एम, सेंटर वाला जो था ये सेंटर वाला था इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, इसके द्वारा। तो एम कितना आ गया, वन, एक्स माइनस कितना आ गया, थ्री। द वैल्यू ऑफ द एनाइन और केटाइन, एक्स माइनस और एम प्लस की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो 3:1 आ रही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने पास इसका आंसर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ABH pH 3 equal to y into 10 to power minus 3 mole per liter, value of y, तो हमें y की value determine करनी है। Given the value of the solubility product of AB का जो solubility product है वो 2 into 10 to power minus 10 होगा, and ionization constant of the HB 1 into 10 to power minus 8 हो गया। Dear students, यहां हम solubility product की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सोल्ट है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है, उसकी पीएच, उसकी सोलिबिलिटी पीएच 3 पर एसिडिक मीडियम में डिटरमाइन करनी है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो अपने पास सोल्ट ए बी है, ये सोल्ट ए बी है इसमें पास, जो कि सोलिड है, किसमें सोलिबिलिटी में होगा, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस में जाएगा। यहां से जो केएसपी होगा वो केएसपी अपने पास 10 to power 2 into 10 to power minus 10। हम मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, तो ये तो इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सॉलिबिलिटी अक्ष आ गई और तो ये भी कितना हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। अब ये जो अपने पास B माइनस है, B माइनस जो होगा वो H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा, एक्वस हो गया, ये H प्लस आयन के साथ
रिएक्ट करेगा, ये भी एक्वस होता है। एच प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एच बी बना देगा, जिसके लिए के इज इक्वल टू वन अपॉन के ए हो गया। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा वो अपने पास 10^-8 अब हम कह रहे हैं कि ये अपने पास अगर अक्ष है तो ये भी अक्ष रहेगा, ये 10^-3 हो गया। अब इसमें से y अगर प्रोडक्ट में एक चेंज होता है तो माइनस वाई माइनस और y, और ये y अपने पास एज ए प्रोडक्ट में बन जाएगा। कितने इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गए एक कंटेनर में, दो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गए। हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो केएसपी इज इक्वल टू अपने पास होता है, केएसपी इज इक्वल टू अपने पास हो गया ए प्लस और बी माइनस। इससे अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये हो गया 2 × 10^-3 इज इक्वल टू, ये कॉमन आयन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी तो माइनस वाई, तो ये हो गया अपने पास अक्ष और ये हो गया अक्ष माइनस वाई। दूसरा इक्विलिब्रियम में ये एग्जिस्ट हुआ है जिसके लिए 1/ke की वैल्यू रह जाएगी, वो हो जाएगी ए बी एच बी अपॉन एच प्लस और बी माइनस। यहां से हमने देखा कि 1/10^-8 इज इक्वल टू एच बी की वैल्यू कितनी हो गई, वाई हो गई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, एच प्लस की वैल्यू 10^-3 माइनस वाई, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू अपने पास हो गई बी माइनस की एक्स माइनस वाई। दो इक्वेशन दो अननोन, यहां से हम जो इसकी सोलिबिलिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, अक्ष के इक्वल हो जाएगी। यहां से दोनों इक्वेशन से अक्ष को डिटरमाइन करते हैं तो अक्ष इज इक्वल टू अक्ष को डिटरमाइन करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 4.47 × 10^-3। तो करेक्ट आंसर जो सोलिबिलिटी का हो जाएगा, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4.47, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन व्हेन द वाटर आर गिवन इन लिस्ट फर्स्ट एंड द इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एच प्लस आयन इन लिस्ट टू, नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस इज ग्रेटर ग्रेटर देन less than 1, degree of hydrolysis of salt is the less than 1, H plus represented. Correct representation H plus ion का हमें show करना है। तो dear students देखते हैं, पहला option है P option, 10 ml of 0.1 m NaOH and 20 ml of the 0.1 m acetic acid diluted to 60 ml. एक बार 0.1 m NaOH लिए, 20 ml और 0.10 ml, 0.1 m acetic acid लिया है, कितना ml, 20 ml, तो इसमें हमें देखना है 60 ml तक डाइल्यूट करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। तो चेक करते हैं क्या डिफरेंस आएगा, हमें यह कहा गया कि देखना, एक तो अपने पास NaOH और एक अपने पास CH3COH एसिटिक एसिड, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो अपने पास बन जाएगा CH3CONa+H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसमें अपने पास इनिशियल इक्विवेलेंट, मतलब मिली इक्विवेलेंट जो होंगे, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट, ये 0.1 m और 10 ml हो गया, ये 0.1 m और 20 ml गिवन है, तो इसके इनिशियल मिली इक्विवेलेंट हो गए 1, इसके इनिशियल मिली इक्विवेलेंट हो गए 2,
इनके इनिशियली कितना होगा, जीरो और जीरो। फाइनल अपने पास जो मिनी इक्विवेलेंट बन जाएंगे, फाइनली फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट लगाए तो फाइनली अपने पास ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। वॉटर तो एज इट डायल्यूट होगा सॉल्यूशन, क्या बन गया अपने पास, CH3COH और CH3CONe। एक सॉल्यूशन में अपने पास वीक एसिड है और इसी एसिड का कॉन्जुगेटेड सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो अपने पास बफर बन जाएगा। और जो बफर की पीएच होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। यहां अपने पास जो एच प्लस या पीएच आएगा वो पीएच हो जाएगी पी एच हो जाएगी पीके प्लस लॉग सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहां पे एच प्लस आइन, इसे हमने 60 ml तक डाइल्यूट किया, 60 ml तक डाइल्यूट करेंगे तो बफर की पीएच है वो डाइल्यूट करने से चेंज नहीं होगी, तो एच प्लस आइन की कंसेंट्रेशन जो रहेगी वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगी, नो चेंज होगा इसमें, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट में अपने पास लिखा है 0.1 ml NaOH 20 ml डाइल्यूट किया तो अपने पास H प्लस आइन डज नॉट चेंज, तो फर्स्ट में अपने पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया। सेकंड हम बात करते हैं 20 ml 0.1 ml NaOH एंड 20 ml 0.1 ml एसिटिक एसिड डाइल्यूटेड टू 80 ml, अगर इसे 80 ml तक डाइल्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें कहा गया NaOH प्लस CH3COONe, इनिशियली अपने पास CH3COH है, इनको जब मिक्स करेंगे तो एक तो बन जाएगा CH3COONe प्लस अपने पास H2O बन जाएगा। इनिशियल इसके मिली इक्विवेलेंट जैसे हमने चेक किया था कि इनिशियल जो अपने पास इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट जो होंगे, इसका कितना लिया है 0.1 ml और 20 ml, इसका भी कितना लिया है 0.1 ml और 20 ml, इसके इनिशियल मिली इक्विवेलेंट अपने पास 2 हो गए, इसके इनिशियल मिली इक्विवेलेंट 2 हो गए, इसके 0 और 0 हो जाएंगे। फाइनल अपने पास जो मिली इक्विवेलेंट होंगे फाइनल वो 0 और 0, ये 2 और ये 2 मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहा हमने इसको 80 ml तक डाइल्यूट किया, ये अपने पास एक सोल्ट बन गया, ऐसा सोल्ट बन गया जो कि किससे मिलकर बना है, ऐसा सोल्ट जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो H प्लस आइन की कंसंट्रेशन होती है वो H प्लस आइन की कंसंट्रेशन अपने पास हो जाएगी, एच प्लस आइन की कंसंट्रेशन अपने पास हो जाएगी, देखो कितनी आ जाएगी, वीक एसिड और वीक बेस में आप OH माइनस आइन की जो कंसंट्रेशन बताते हैं वो OH माइनस आइन की कंसंट्रेशन होती है अपने पास अंडर रूट के एच अपॉन के इंटू सी, और H प्लस आइन की जो H प्लस और OH का प्रोडक्ट होता है वो KW के इक्वल होता है, तो यहां KH यानी KW। अब यहां अपने पास ये हो जाएगा KW इंटू के अपॉन सी, यहां से मैंने अगर कंसंट्रेशन को अगर मैंने डाइल्यूट करके पहले 40 ml था, 40 ml से 80 ml कर दूंगा डाइल्यूट, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, सी कितनी हो जाएगी, सी बाई टू हो जाएगी, तो मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अंडरूड टू टाइम हो जाएगी, अंडरूड टू टाइम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर आपने ये चेक किया
तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टू हो जाएगा। एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन देखना, एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन अंडर रूट टू टाइम्स से हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, आर ऑप्शन में 20 ml 0.1 ml HCl एंड 20 ml 0.1 ml अमोनिया को मिक्स किया और डाइल्यूटेड टू 80 टाइम की बोल रहा है। डी स्टूडेंट इसे भी चेक करते हैं, अगर इसे चेक करें तो हमने कहा कि अपने पास HCl है, HCl प्लस अमोनिया तो क्या बनेगा NH4Cl। इसमें भी यही कह रहा है कि इनिशियल जो मिली इक्वेलेंट है, इनिशियल इक्वेलेंट वो अपने पास 0.1 इंटू 20 ml, इसमें भी 0.1 इंटू 20 ml 20 ml, ये अपने पास इनिशियली जीरो है। फाइनल ये हो जाएगा, ये अपने पास जीरो हो जाएगा, ये अपने पास जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। हमारे पास ऐसा सोल्ट बना है, ऐसा सोल्ट बन गया जो कि किससे मिलकर बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में जो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है वो होती है अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पहले जो वॉल्यूम था वो 40 ml था और 40 ml को डाइल्यूट करके कितना कर दिया गया, 80 ml कर दिया गया। तो नई जो C बनेगी, C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी, C by 2 हो जाएगी, कंसंट्रेशन C by 2 हो जाएगी। तो H plus आयन की कंसंट्रेशन जो अपने पास हो जाएगी वो H plus आयन की कंसंट्रेशन 1 by root 2 टाइम हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन चेक किया तो इसमें अपने पास कंसंट्रेशन है 1/4, तो फोर्थ ऑप्शन अपने पास आ रहा है। अभी तक के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले में नो चेंज था तो फर्स्ट वाला होना चाहिए, सेकंड में 5 होना चाहिए, आर में क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। एस को चेक करते हैं, 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ द निकल हाइड्रोक्साइड इन द इक्विलिब्रियम विद एक्सेस अमाउंट ऑफ द निकल हाइड्रोक्साइड इज डाइल्यूटेड टू 20 ml। ओके डियर स्टूडेंट्स इसे भी चेक करते हैं, अगर इसे चेक करें तो अपने पास निकिल हाइड्रोक्साइड जो सॉलिड है अपने पास किस में जाता है, Ni प्लस 2 और ये अपने पास 2OH का होल्ड वाइज और ये होता है Ksp। Ksp क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर इसे डाइल्यूट करेंगे तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा, Ksp इज इक्वल टू Ni प्लस 2 और OH माइनस आयन का स्क्वायर। डाइल्यूट करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की फिक्स रहेगी, OH माइनस आयन की उतनी रहेगी तो H प्लस आयन की भी क्या रहेगी, सेम कंसंट्रेशन रहेगी। इसके अकॉर्डिंग अपन अगर सोल्व करते हैं तो नो चेंज आ जाएगा, नो चेंज आ जाएगा तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में हमने चेक किया था तो अपने पास कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बफर का फॉर्मेशन हुआ था। सेकंड वाले में हमने चेक किया था तो कितने टाइम हो रही थी, रूट टू टाइम हो रही थी, 5 आ जाएगा। थर्ड वाले में हमने चेक किया तो अंडर रूट 2 टाइम हो रही थी और फोर्थ वाले में चेक किया तो डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, अपने पास ऑप्शन करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 इज 1.6 इंटू 10^17। कोई एक रिएक्शन है जिसके लिए Kc की वैल्यू गिवन है, व्हेन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द 0.06 ml Fe+2 एंड 0.2 ml S-2 एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द Fe+2 आयन
is found to be y into 10 to power minus 17 m. The value of the y. Y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, मींस दैट Fe प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे Fe प्लस 2 इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शंस लिखते हैं. Fe प्लस 2 जो कि एक्वस है, S माइनस 2 आयन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, FeS सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेता है. FeS सॉलिड, इसके लिए Kc इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर 17 है. इनिशियली अपने पास ये गिवन है, वो अपने पास 0.06 m, तो Fe प्लस 2 है 0.06 m, और ये अपने पास कितना हो गया 0.2 m. डियर स्टूडेंट्स, इनका इक्वल वॉल्यूम फिक्स मिक्स किया है तो इनकी खुद की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. इनकी खुद की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो देखना इसकी कंसंट्रेशन 0.03 हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m हो जाएगी. अगर हम इसे सोल्व करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये किसमें है, सॉलिड फेज में अपने पास है. अब हम चेक कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे, जब इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पे ये तो कंसंट्रेशन अपने पास एक्स हो जाएगी और ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस 0.0, तो ये अपने पास 0.07 हो जाएगी. ओके, तो अब इसके लिए अगर अपन सोल्व करते हैं तो Kc इक्वल टू कितना हो गया, Kc इक्वल टू 1 अपॉन Fe प्लस 2 और S माइनस 2. Kc की वैल्यू अपने पास गिवन है 1.6 इंटू 10 टू पावर 17 और ये अपने पास हो गया अक्ष जो Fe प्लस 2 हमें कैलकुलेट करना है, ये हो गया अपने पास 0.07. ठीक है, ये अपने पास 0. अक्ष की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है तो अक्ष अपने पास हो जाएगा, अक्ष इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर 17 इंटू 0.07. अब यहां से अक्ष हम कैलकुलेट करते हैं, अक्ष हम कैलकुलेट करते हैं तो अक्ष की वैल्यू जो अपने पास आ जाती है ये हो जाती है 8.93 इंटू 10 टू पावर माइनस 17. तो अपने पास यहां पे अपने पास y की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 8.93 रिप्रेजेंट हो रही है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर 8.93 हो जाएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 11, द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर ए कंपाउंड कंटेनिंग केटाइन एम एंड एनाइन अक्स शो बिलो. व्हेन द कंपेयर द एनाइन एंड द केटाइन इज स्मॉलर आयोनिक रेडियस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. एक कोई यूनिट सेल गिवन है, उस यूनिट सेल में केटाइन और एनाइन है और अगला बोल रहा है कंपेयर द एनाइन इज केटाइन इज स्मॉलर आयोनिक रेडियस, केटाइन की आयोनिक रेडियस स्मॉलर है, तो आपको सही स्टेटमेंट चूज करने है. द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Mx, इंपेरिकल फॉर्मूला Mx हो जाएगा. क्या चेक करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले के लिए, केटाइन और एनाइन की नंबर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा. इंपेरिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ M प्लस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ M प्लस, M प्लस या M के लिए बात करें तो M अपने पास कहां पे होगे, M अपने पास ये फेस सेंटर पे अवेलेबल हो गए, ये अपने पास हो गए फेस सेंटर, फेस सेंटर पे अवेलेबल हो गए. टू फेस सेंटर है और इनका पार्टिसिपेशन जो होता है 1/2, तो ये 1 आ गया. और नंबर ऑफ अक्ष माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एज सेंटर पे, एज सेंटर का कितने 4, 1, 2, 3 और 4, 4 इंटू पार्टिसिपेशन होता है 1/4, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा, 1:1 है तो
तो MX फॉर्मूला बन जाएगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास कितना हो जाएगा, ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट है। द केटाइन एम एंड एनाइन एक्ट सेव द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री बोले या कोऑर्डिनेशन नंबर बोले। देखिएगा एम प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने एनाइन इसे टच कर रहे हैं, 4 एनाइन तो ये टच कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट सेल इस साइड में भी होगी तो यूनिट सेल में कितने केटाइन टच कर रहे हैं, 8। एम प्लस और एक्स, एम और एक्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है वो कितनी आ रही है, 8:8 आ रही है। तो सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, सेम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री आ रही है तो इसमें बोल रहा है डिफरेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। MX बॉन्ड लेंथ, द रेशियो ऑफ द MX बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ इज 0.866, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा इस केटाइन और एनाइन ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी, ये डिस्टेंस अपने पास क्या है, केटाइन और एनाइन की रेडियस के इक्वल है, बॉन्ड लेंथ के इक्वल है। अगर इसमें हम लोग बनाते ट्राइंगल बनाए तो ये ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, ये ट्राइंगल बन जाएगा। इसमें ये तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगी जिसे मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं, डी इक्वल टू क्या हो गया, आर प्लस प्लस आर माइनस, और ये अपने पास ए माने तो ये ए बाई टू हो गया, ए बाई टू, और ये कितना हो गया टोटल बॉन्ड लेंथ, टोटल जो इसकी लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, रूट टू ए बाई, तो ये हो गया ए बाई रूट टू। यहां से अगर हम इसे सोल्व करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू, एक ट्राइंगल बन गया, डी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई टू का स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का स्क्वायर, तो अपने पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई फोर प्लस ए बाई टू आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया तो d इज इक्वल टू अंडरूट 3 ए बाई अपने पास 2 आ गया। तो यहां से आपके पास d की जो वैल्यू आ जाएगी अगर इसे सोल्व करें तो 0.866 ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, m प्लस एंड x, द रेशियो ऑफ द आयोनिक रेडियस ऑफ केटाइन टू एनाइन एक्स इज 0.414। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास R प्लस और R माइनस D है, वो R प्लस और R माइनस आई है, R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू अपने पास आ गई अंडरूट 3 ए बाई टू, अंडरूट 3 ए बाई टू, ये R प्लस और R माइनस, अंडरूट 3 ए बाई टू, और R माइनस जो अपने पास है वो R माइनस अपने पास हो जाएगी A के इक्वल हो जाएगी। यहां से आप इसे सोल्व करते हैं तो अपने पास R प्लस और R माइनस ये आ जाएगा अंडरूट 3 माइनस 1, तो ये आता है 0.732। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, A और C स्टेटमेंट अपने पास करेक्ट हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m वीक बेस b इज स्टेटेड विद द 0.1 m स्ट्रॉन्ग एसिड HA, द गिवन द वेरिएशन ऑफ द pH ऑफ सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ HA एडेड टू इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द pKb ऑफ बेस, बेस का pKb कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक HA Weak base 0.1 m weak base को हम consider कर सकते हैं NH3, just like a NH3, strong acid just like a HCl, इन दोनों की titration करवाते हैं तो NH3 plus HCl assume कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा NH4Cl like structure बन जाएगी, ये बनाएंगे। अब यहां से जैसे जैसे आप NH3 में HCl ऐड करते चले जाएंगे,
क्या बनेगा, स्टार्टिंग में बफर बनेगा और इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। ये इक्विवेलेंट पॉइंट है और इस इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या बना होगा, सोल्ट बना होगा। एक होता हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट, ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पॉइंट पे अपने पास पीएच पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस होता है। और डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये सोल्ट और बेस की कंसेंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। इन दोनों की इक्वल होती है तो पीओएच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा। और हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच कितनी है, पीओएच कितनी है, पीओएच पीएच है वो 11 है। तो पीओ पीएच अगर 11 है तो अपने पास पीओएच कितनी हो गई, पीओएच 3 हो गई। तो हम बोल सकते हैं 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, पी के बी हो गया। तो अपने पास पी के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के बी की वैल्यू 3 हो जाएगी और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ 0.05 mm Zn+2 इज सैचुरेटेड विथ 0.1 mm H2S, व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द H+ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ Zn+S। H+ आयन की मिनिमम कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए जो Zn+S के प्रेसिपिटेशन को स्टॉप कर दे, प्रेसिपिटेशन नहीं होने दे। यूज KSP ऑफ Zn+S इज इक्वल टू 1.25 × 10⁻²² एंड 22 एंड ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द H2S इज 10⁻²১। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने पास जो Zn+S है, Zn+S इसमें अपने पास ये सॉलिड होता है, ये Zn+2 एक्वस और S-2 एक्वस में चला जाएगा और ये अपने पास क्या होता है, केएसपी होता है। जस्ट प्रेसिपिटेशन को अगर प्रिवेंट करना है तो क्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, केएसपी होना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट Zn+2 और ये अपने पास S-2 हो जाएगा और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, केएसपी हो जाना चाहिए जो H2S के प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट कर दे। तो Q इज इक्वल टू KSP, KSP कितना है 1.25 × 10⁻²² इज इक्वल टू Zn+2 आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.05 और S-2 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से अपने पास जो S-2 आयन की कंसेंट्रेशन मिल रही है वो मिल जाएगी 1.25 × 10⁻²⁰ × 0.05। तो यहां से S-2 हमें जो मिल रहा है, S-2 आयन की कंसेंट्रेशन ये मिल रही है 0.05। तो ये 25 × 10⁻²⁰ मिल रही है। S-2 आयन है वो कहां से मिलेंगे, H2S के आयोनाइजेशन से मिलेंगे। तो H2S का जो आयोनाइजेशन होगा, H2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H++S-2। यहां से इसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 × K2 इज इक्वल टू हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का स्क्वायर S-2/H2S। अपने पास ये अब K1 और K2 1 × 10⁻²⁰ इक्वल टू H+ आयन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। S-2 कितना हो गया, 25 × 10⁻²⁰ और ये हो गया अपने पास H2S की कंसेंट्रेशन है 0.1 mm। तो यहां से H+ आयन की कंसेंट्रेशन है ये इधर जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। H+ आयन का जो स्क्वायर है अपने पास कितना आ गया, 1/25।
H प्लस आइन की कंसेंट्रेशन है वो अपने पास आ जाएगी 1/5, मतलब 0.2 m कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। तो मोलर कंसेंट्रेशन कितनी जरूरत है? 0.2 m। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 0.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जेसीएलसी।